नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज हमने लाए हैं आप लोगों के लिए फेवरेट रसगुल्ले। आप लोगों ने बहुत सारे रसगुल्ले खाए हुए, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा छोटा रसगुल्ले लाए हैं। मतलब रसगुल्ले के भैया को आज हम बनाएंगे और उसका मजा लेंगे। बहुत टेस्टी है, मैं इसको करके खाई हूँ और बहुत अच्छी भी है। आइए दोस्तों, बनाते हैं और इसका मजा लेते हैं। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आइए दोस्तों, इसका मजा लेते हैं और इसको बनाना भी बहुत इजी है। आप लोगों को तो पता होगा दूध कैसे फटाते हैं। हमने यहाँ पर गरम दूध में दो स्पून विनेगर डाले हैं। आप पानी और चीज़ हमारा सेपरेट हो रहा है, देखिए यहाँ से, देखिए अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। हम ये चीज़ को निकाल कर इसको ठंडा कर लिए हैं। देखिए ये ठंडा किया हुआ अच्छे से, अब इसको हाथों के नीचे हिस्से से अब इसको अच्छे तरह से मसल लेते हैं। देखिए इसको हमने अच्छे से मसल लिए हैं, ये सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम 1/4 मैदा को मिला रहे हैं। अब इसको दोनों को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने फटा हुआ दूध का पानी थोड़ा यूज़ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। सबको मिलाकर हम इसको मस लेंगे। देखिए हमने अच्छे से मसल लिए हैं मैदे और चीज़ को। अब यहाँ पर हमने गोल गोल बना लिए हैं, छोटे छोटे रसगुल्ले हमने बना लिए हैं। अब इसको चाशनी में डालेंगे। हमने यहाँ पर 3 कप पानी और 2 कप शुगर लिए हैं। अब इसको बॉईल कर रहे हैं। देखिए हमारा चाशनी बन चुका है। अब इसमें रसगुल्ले को डालते हैं। देखिए हमने सब रसगुल्ले को चाशनी में डाल चुके हैं। अब इसको कवर कर लेते हैं 10 मिनट तक, ताकि दोनों घुल मिल जाए अच्छे से। देखिए घुल मिल गए हैं, अब इसको निकालते हैं। देखिए कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है, छोटा छोटा है लेकिन चाशनी में उबल रहा है इसलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है। देखिए हमारा रसगुल्ले अच्छे से बन गया है। अब इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा दिख रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। आप इसी तरह बनाइए और खाइए। देखिए कितना चीजी चीजी बना है। देखिए दोस्तों बहुत सॉफ्ट बना है। आप भी इसी तरह बनाइए घर में रसगुल्ले, छोटे रसगुल्ले को, और टेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा है। और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।